रिजल्ट के साथ बहुत सारे कैंडिडेट को इस चीज़ के संशय है अभी तक कि क्या सेकंड कट ऑफ आएगी। इन सारे कैंडिडेट का नाम लिस्ट में था, वो तैयार रहे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट आपको सारे अपने ओरिजिनल लेके जाने हैं। उनके साथ ही साथ 118 कैंडिडेट को अभी तक विथ हेल्ड वाली कंडीशन में रखा गया है, उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। यानी कि 7,547 जो आपकी सीट थी उनमें से आपकी 6,976 सीट ही फुलफिल हुई है, यानी कि 571 सीट आपकी अभी भी खाली रह गई है। हेलो एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री हियर। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एज यू नो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उन सारे कैंडिडेट को जिनका फाइनल सिलेक्शन आज हो गया है। उसके साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी गई है और कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो उन सारे टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। रिजल्ट के साथ बहुत सारे कैंडिडेट को इस चीज़ के संशय हैं अभी तक कि क्या सेकंड कट ऑफ आएगी। उसके साथ ही साथ जिन स्टूडेंट के यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन में थोड़े बहुत ही नंबर एक्स्ट्रा थे, जो संशय की कंडीशन में थे कि फिजिकल के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्या उन्हें एक और मौका देगी दिल्ली पुलिस? तो मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि आपकी वेकेंट सीट इतनी ज़्यादा नहीं है और मेरे अनुभव के आधार पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपकी कोई सेकंड लिस्ट यहाँ पर आएगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस को जिस हिसाब से काम करवाना था उन्होंने उस रफ्तार से काम करवाया था। रोजगार मेले में आप सभी को रोजगार देने का जो उनके ऊपर प्रेशर था उस अकॉर्डिंग सारा काम यहाँ पर हुआ है। अगर सेकंड लिस्ट आने की चांसेस होती तो आपकी फिजिकल इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं करवाए जाते। तो मुझे ना लगता आप सब लोग पैनिक न हो, सेकंड लिस्ट आने के अभी तक कोई चांसेस है नहीं। बाकी जो कुछ भी होगा वो आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.dillipolice.nic.in पर देखने को मिलेगा। आप सभी कैंडिडेट के लिए एडवाइस है, आप दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार बने रहें। अब हम बात करते हैं कितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, कितने कैंडिडेट्स फाइनल यहाँ पर सिलेक्टेड हुए और क्या आपकी कट ऑफ रही कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले आप दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करेंगे तो आपको इस हिसाब से आज देखने को मिलेगा ये नोटिस, जो साफ साफ यहाँ पर आपको पता चल रहा है। इस नोटिस में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेल के लिए विभिन्न कैटेगरीज में 4,453 सीट यहाँ पर मांगी गई थी एंड मेल एक्स सर्विसमैन के लिए विभिन्न कैटेगरी में 266 सीट यहाँ मांगी गई थी। मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए भी सीट मांगी गई थी 337 एंड फीमेल कैटेगरी में आपकी सीट मांगी गई थी 2,491। ओवरऑल आपकी वैकेंसी थी 7,547 पदों पर आपकी वैकेंसी यहाँ पर थी, जिनमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है। अब कितनी सीट यहाँ पर फुलफिल हुई है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले मेल कैटेगरी की अगर हम बात करूँ तो एससी कैटेगरी में 590 वेकेंट जो सीट थी वो फिलफिल हुई है। एसटी कैटेगरी में 171 एंड ओबीसी में 258, ईडब्ल्यूएस में 488, यूआर में 2748। ओवरऑल मेल कैटेगरी में आपके 4,255 कैंडिडेट यहां पर पास हुए हैं और ये हुए हैं आपके 4,453 में से, यानी 4,453 आपकी सीट वेकेंट थी जिसमें से कि आपके 4,255 कैंडिडेट मेल सिलेक्टेड हुए हैं एग्जीक्यूटिव। उसके बाद हम बात करते हैं मेल एक्स सर्विसमैन की। तो मेल एक्स सर्विसमैन की बात करूँ विभिन्न कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 20, 2, 15, ईडब्ल्यूएस में 27 और यूआर में 153, यानी 217 आपके एक्स सर्विसमैन यहाँ पर फुलफिल हुए हैं। जबकि मांगे कितने गए थे तो आपके एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं, एक्स सर्विसमैन 266 यहां पर मांगे गए थे ओवरऑल। फिर हम बात करते हैं आपके एक्स सर्विसमैन कमांडो की। तो एक्स सर्विसमैन कमांडो आपके यहां फिलफिल हुए हैं 81, जबकि आपके कमांडो मांगे गए थे 337। सेम हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी। तो फीमेल कैटेगरी में आपकी मांगी गई थी 2,491 आपकी सीट वेकेंट थी, जिसमें से आपकी फिलफिल हुई 2,423, यानी फीमेल में भी आपकी सीट यहाँ वेकेंट रहेगी। ओवरऑल 7,547 पदों पर आपकी सीट थी जिसमें से अभी फिलफिल हुए हैं आपके 6,976, यानी कि मान देखा जाए तो 571 सीट अभी भी आपकी वेकेंट रह गई है। यानी कि 7,547 जो आपकी सीट थी उनमें से आपकी 6,976 सीट ही फुलफिल हुई है, यानी कि 571 सीट आपकी अभी भी खाली रह गई है एग्जीक्यूटिव 2023 की भर्ती में। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज आपकी कितनी यहाँ पर कट ऑफ गई हैं। तो कैटेगरी वाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल मेल की। तो कांस्टेबल मेल की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 488 वैकेंसी थी और आपके शॉर्ट लिस्टेड 488 की गए हैं, जिसमें से आपकी मार्क्स गए हैं 61.65% आपके मेल कैटेगरी में यहाँ पर रहे हैं। उसके साथ एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी
वो कट ऑफ गई है 58। सेम एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी दोनों की सेम गई है 58। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करूँ तो आपकी कट ऑफ गई है 67, जो कि पहले वाली कट ऑफ थी 66 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आपका नंबर बढ़ा है ओबीसी में। यूआर कैटेगरी की अगर बात करूँ तो यूआर कैटेगरी में भी आपकी कट ऑफ गई है 68। सेम हम बात करते हैं एक्स सर्विस मैन की, तो एक्स सर्विस मैन की आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है 25 एंड एससी और एसटी की गई है 25 एंड 29। ओबीसी में एक्स सर्विस मैन की बात करते हैं तो आपकी गई है 54 एंड यूआर कैटेगरी में अगर आप एक्स सर्विस मैन की बात करते हैं तो आपकी कट ऑफ गई है 42। अब फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं कितनी कितनी कट ऑफ गई है। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 53% कट ऑफ गई है, एससी में आपकी गई है 46, एसटी में आपकी गई है 53 एंड ओबीसी कैटेगरी में आपकी गई है 60%, जो कि आपकी 56 यहाँ पर थी। उसके बाद में यूआर कैटेगरी में आपकी गई है 61। तो ये सारी आपकी कट ऑफ गई हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो आपके परसेंटेज थे जितने कट ऑफ के हिसाब से गए हैं। अब अगर किसी दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स हो तो उनमें से, और एक ही सीट हो तो उनमें से किस कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स हो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, उन दोनों कैंडिडेट्स में से अगर किसी कैंडिडेट के पार्ट ए में यहाँ नंबर ज़्यादा है, ये साफ साफ यहाँ पर मेंशन है, पार्ट ए में जिस कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर है वो उसके लिए एलिजिबल होगा। अगर यहाँ पर भी दोनों की सेम कंडीशन बनती है तो पार्ट बी में जिसके नंबर ज़्यादा है वो उसके लिए एलिजिबल होगा। अगर फिर से ये चीज़ बराबर बराबर वाली कंडीशन में आ जाती है तो उनमें से उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है और दोनों कैंडिडेट में से जो ओल्डर होता है यानी कि जो बड़ा होता है वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ भी उन दोनों कैंडिडेट की सेम हो, तो ऐसे में क्या होता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जिस कैंडिडेट का नाम पहले आता है यानी कि ए से जेड तक जिस कैंडिडेट का नाम उन अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा उस कैंडिडेट को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में प्रश्न था कमेंट सेक्शन में भर भर के था कि मैम मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, मैम मेरे पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, तो क्या मुझे इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको एनसीसी सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। एनसीसी के आप जानते हैं तीन सर्टिफिकेट होते हैं, ए बी एंड सी, और तीनों ही सर्टिफिकेट के बेस पर आपको अलग अलग परसेंटेज में आपको नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट का, तो जिस कैंडिडेट के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आपकी एग्जाम 100 नंबर की हुई है तो आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट आप रखते हैं तो 5 नंबर आपको यहाँ पर एग्जाम में दिए जाते हैं। सेम बात करते हैं एनसीसी बी सर्टिफिकेट की, आपकी मैक्सिमम मार्क्स का 3% आपको दिया जाएगा, यानी कि आपकी एग्जाम 100 नंबर की है तो 3 नंबर दिया जाएगा। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट की अगर बात करूँ तो उसमें 2% ऑफ मैक्सिमम एग्जामिनेशन ऑफ मार्क्स, यानी कि आपके एग्जाम अगर 100 नंबर की है तो 2 नंबर, अगर 200 नंबर की है तो 4 नंबर आपको दी जाएगी एनसीसी ए सर्टिफिकेट की। तो ये एनसीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड सबसे बड़ा डाउट था। अब ये जो लिस्ट आई है वो एनसीसी सर्टिफिकेट के नंबर को इंक्लूड कर आई है, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारी बातें थी आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। एक ही बात और थी जो साफ साफ यहाँ पर मेंशन है, द रिजल्ट ऑफ 118 कैंडिडेट्स बेयरिंग द फॉलोइंग रोल नंबर्स हैज़ बीन कैप्ट इन विथ हेल्ड। तो कहने का मतलब ये है कि 118 कैंडिडेट को अभी तक विथ हेल्ड वाली कंडीशन में रखा गया है, उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। जैसे ही इसके बारे में क्लैरिफिकेशन हो जाती है उन सारे कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल आपके रिजल्ट से रिलेटेड ये सारे डाउट थे, इतनी आपकी कट ऑफ गई थी, उसके साथ एनसीसी सर्टिफिकेट के से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे वो सारे यहाँ पर दूर हुए। इन सारे कैंडिडेट का नाम लिस्ट में था, वो तैयार रहे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट आपको सारे अपने ओरिजिनल लेकर जाने हैं, उनके साथ ही साथ उनकी फोटोकॉपीज भी यहाँ पर लेकर जाने हैं। अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से रखें, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है तो उसके लिए आप खुद उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो होपफुली सारे स्टूडेंट अच्छे से अपना प्रोसेस करवाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जल्द ही अपनी वर्दी को पहनकर अपने सपने को पूरा करेंगे। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।